डेंसिटी मर्करी की ज्यादा है उसमें, अरे पूरा ही मर्करी लिया था यार टॉर्चली एक्सपेरिमेंट में, तो पूरी या तो पूरा ही मर्करी इस्तेमाल करोगे, कंटेनर भी मर्करी है और उसको क्या कैसे किया था मैंने, टेस्ट ट्यूब को उसी मर्करी में डुबाया था, उसको उल्टा कर लिया था। अब जब लिक्विड पानी ले रहे हो तो पानी को ही पानी लोगे ना उसमें, पूरे कंटेनर में पानी भरोगे, टेस्ट ट्यूब में पानी भरो और उसी को उल्टा कर दो। ऐसा थोड़ना, जब वाटर इस्तेमाल कर रहा हूं नीचे वाटर थोड़ना है, ऊपर मर्करी थोड़ना है, एक ही चीज हो रही है, या तो मर्करी इस्तेमाल करो पूरे में या वाटर ही इस्तेमाल करो। कैसे करोगे भाई इसको? देखो अगर ऐसे एक्सपेक्ट करोगे तो सरफेस कितना आना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g 1/2 आ जाएगा, यानी 45 से तो कम है। ये ऐसे बनेगा ना, आप आइडिया लगा चुके होगे कि ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे बनेगा क्योंकि ये वाला एंगल तो ज्यादा ही आ रहा है कुछ। ये वाला अगर हम देखते हैं तो 5/2 tan थीटा 5/2 वो तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे तो खाली नहीं होगा, ये ऐसा ही सरफेस बनेगा कुछ। ये वाला एंगल आपको पता है, थीटा आप निकाल चुके हो, ये पता है तो ये वाला पता है, तो खाली वाला वॉल्यूम देख लो ना कितना हो जाएगा। टेन थीटा 1/2 है तो इसको आप इतना लिख सकते हो, मान लो एच हो गया है या वाई मान लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल वी हो जाएगा है? तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एल बाय टू, यानी 2/2 यानी 1 आ गया। तो कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पिल्ड कितना हो गया, वॉल्यूम स्पिल्ड ये हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू वाई इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू अंदर की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो हाफ एल कितना है आपका, एल है 2, वाई कितना आ गया है 1, बी कितना दे रखा है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 m³। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचा हुआ है और पास्कल लॉ बचा हुआ है स्टैटिक में अगर बोला जाए तो, बाकी एडवांस के लेवल कॉन्सेप्ट तो हो गए, बाकी क्वेश्चन कराने और भी बाकी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, आर्किमिडीज पढ़ लेंगे आज का इतना ही रखते, नहीं तो आर्किमिडीज भी पढ़ना चाहते हो, आर्किमिडीज और पास्कल। हाँ या कोई तो अपने अपने विचार प्रकट करो। अरे नो सर, क्या नो सर, अरे ये आज का इतना ही रखें, क्या कर रहे हैं बताओ, और पढ़ना है।
पास्कल का लॉ यार वो नहीं पढ़ा था क्या, जो हाइड्रोलिक मशीन में यूज होता है? किसका आने वाला है क्या टेस्ट वेस्ट? टेस्ट आने वाला है क्या किसी का कॉलेज में? कब होगा? स्कूल में कब होगा? अरे बोल तो रहे हैं, मतलब कब होगा कब, वही तो पूछ रहा हूं। सस्पेंस बना के रखा है जैन मिड से एंड के बीच में। फुल पोर्शन है, फुल पोर्शन है मतलब काय का फुल पोर्शन है, फ्लोट का कि मतलब पूरा पूरा आ रहा है? अरे पूरा कौन सा फ्लूट, पूरा कि पूरा अलेवंथ? पूरा अलेवंथ। अरे एक काम करना, दो तीन पकड़ना पुराने सैंपल पेपर, ठीक है ना, पूरा खत्म हो गया है पूरा अलेवंथ। क्या मजाक करते हैं यार, सिस्टम ऑफ पार्टिकल निपटा देता हूँ दो लेक्चर में। चलो देखो, मेरे ख्याल से हो गया होगा। पास्कल का भी देख लो, पास्कल देख लो, निपटा देते हैं फिर फटाफट। देखो पास्कल का क्या कहता है लॉ, लिखना चालू करो फटाफट लिखो फिर। पास्कल लॉ में लिखो, पास्कल लॉ में लिख लो, फॉर एन एनक्लोज्ड लिक्विड, फॉर एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, फॉर एन एनक्लोज्ड फ्लूइड फॉर एन एनक्लोज्ड फ्लूइड in a container, the pressure change enclosed in a container, the pressure change at any point of fluid, the pressure change at any point of fluid goes undiminished, goes undiminished and undissipated to every point of fluid and container. ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर। अब सिंपल सी बात यह है, एक बात बताओ ना, छोटा छोटा ही ले लेते हैं इसको, क्या करना ज्यादा पर बात करके। स्पेस ये है, ये है, ये है, केस वन केस टू। यहां का प्रेशर पी नॉट है, यहां पर पी वन मान लो, कितने पर, एस डेप्थ पर, आपने इस बार प्रेशर को पी नॉट प्लस डेल्टा पी कर दिया है, पी डैश कर दिया है, पी नॉट प्लस पी डैश कर दिया। यहां पर सेम एच हाइट की बात कर रहे हैं, तो पहले यहां पर प्रेशर रहा होगा मेरे ख्याल से पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां पर P2 कितना हो जाएगा, P0 प्लस P डैश प्लस रो जी एच, जो कि कितना हो गया है P1 प्लस P डैश हुआ, तो P2 माइनस P1 कितना आ गया, P डैश आ गया। यानी P डैश जो कि आपने चेंज किया था यहां पर, वो कोई जनरल H डेप्थ पर मिल जा रहा है उतना ही चेंज, यानी बेसिकली चेंज at any point that is here at surface is obtained
obtained at every point of fluid. ठीक है ना, तो यहां पर जो बदलाव किया, यहां पर आपने पी डैश का चेंज किया, इस पॉइंट पर भी वही चेंज मिल गया आपको, उतना ही प्रेशर में इंक्रीमेंट हो गया है, वो अनडिमिनिश जा रहा है। यहां पर अगर आप 2 पास्कल बढ़ाओगे तो यहां भी 2 पास्कल बढ़ जाएगा अपने आप ही, यहां पर भी बढ़ जाएगा पास कंटेनर की वॉल पर बॉटम पर, यहां तक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहानी होती है एप्लीकेशन इसकी, एप्लीकेशन पास्कल लॉ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आ जाता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इस पर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन कैसा रहता है, ये रहता है सिनेरियो, ये है, ये है, तो ये सिनेरियो है कुछ ऐसे करके, यहां पर एक पिस्टन होगा, यहां पर भी आप चाहे तो कोई सेम हाइट पर रखो या कोई दूसरी हाइट पर रख लो, कोई मैटर नहीं करता, जनरली अगर फ्री है तो दोनों उसमें सेम हाइट तक पानी भरा होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा, सेम लेवल पर रहेगा लिक्विड। तो अब होता क्या है, जब आप इसमें इसमें आप कारवार लगाते हो, ठीक है, इसमें जब आप कारवार लगाते हो सर, सर कितने समय के लिए गायब हो गया था, गायब हो गया था, मैंने पीछे देखा ही नहीं, कहां से गायब हो रखा है, वो गाड़ी बनाते समय, गाड़ी बनाते समय ना, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो सेम लेवल पर रहेगा, पिस्टन स्टन का वजन नेग्लिजिबल है, तो इस जब गाड़ी लगाई आपने, यहाँ पर गाड़ी लगाई है, तो गाड़ी के कारण प्रेशर कितना बढ़ गया होगा, गाड़ी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर में इंक्रीमेंट आया होगा, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर आया होगा W by A, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, आई बात समझ में, इस बार W को बैलेंस करना है, यहाँ पर प्रेशर में इंक्रीमेंट अगर P मान लेते हो तो P into A, इतना प्रेशर, इतना फोर्स ऊपर को लग जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो वहां से W by A इतना इंक्रीज इन प्रेशर आ चुका होगा एट दिस पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू कार, ड्यू टू विच पिस्टन एट पोजीशन 2 विल ट्राई टू राइज,
इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू बैलेंस 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 दिस प्रेशर इंक्रीमेंट, प्रेशर इंक्रीमेंट F force must be applied, must be applied. होगा क्या? अब ये जो प्रेशर इंक्रीमेंट आ चुका है इतने का आ चुका है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा पी. ठीक है, डेल्टा पी इतना आ चुका है. ये हर एक पॉइंट पे ऑब्टेन होगा. प्रेशर इंक्रीमेंट एट पोजीशन वन, एट लोकेशन वन, लोकेशन वन इस इतना है, विच इज ऑब्टेन्ड एट एवरी पोजिशन, ऑब्टेन्ड एट एवरी लोकेशन, एट एवरी लोकेशन. यहां पर तो जो इंक्रीमेंट हुआ ही है वो आपका इंक्रीमेंट हर जगह पर मिल जाएगा आपको, तो यहां पर भी प्रेशर बढ़ जाता, बढ़ता तो ऊपर भागना चालू करता. तो यहीं पर बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करना मतलब कार को बैलेंस हो जाएगी. अगर ये इसको नहीं भागने दिया तो ये भी नहीं भागेगा. इतना तो समझ में आता है. ठीक है, तो एफ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड. तो क्या आपको नहीं लगता? सो डेल्टा सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है, पर वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा आपका. अरे मोबाइल डेटा ऑन कर रखा, वाईफाई तो चले गया, जियो वालों का पता नहीं क्या नोटिफिकेशन दिया. अभी हुआ है पहली बार आज तक जब से लगा रखा है. बिल्कुल ये अटक के आ रहा है क्या? क्या हो रहा है? ज्यादा ब्लर आ रहा है. एक काम करता हूँ, एक सेकंड ना, ये बताओ ऑडियो सही आ रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ऑडियो सही से आ रहा है. ऑडियो आ रहा है. एक काम करता हूँ ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ. आखिरी है, इतना लिख दिया यार, मैं वो खींचता हूँ, फोटो खींच के भेज देता हूँ आपको ग्रुप में. बाकी उसको देखते हुए समझ लेना, मैं बोल देता हूँ. ठीक है, एक सेकंड आया, मैं दूसरे फोन से खींच के भेज. अरे ब्लर आ रहा है क्या? हाँ भाई अभी ब्लर है. हाँ सर,
एक सर अभी क्लियर हो गया सर। हाँ दिखाई दे रहा है। यस सर। क्या सबको दिखाई दे रहा है या खाली बस? दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा तो लिख लो फिर और क्या। ले यार भाई पकड़ ले। चलो वाईफाई भी गायब हो गया। चलो देखो ये हो जाएगा। जहां तक बात है अभी तो क्लियर होगा हैं? अभी दिख रहा है क्लियर? कुछ वाईफाई तो चल नहीं रहा यार। सर क्लियर है सर। ठीक है ना। तो क्या करता है ये एक लोकेशन पर यहाँ पर कार वार को रखना होता है इधर की साइड आपका कितना फोर्स लगाना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सिनेरियो हो जाता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या होगा इसके कार के चक्कर में यहाँ पर प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है और इसी इंक्रीज प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर एफ फोर्स लगाते हो। उस एफ फोर्स के चक्कर में क्या होता है ये प्रेशर जो इंक्रीमेंट आ रखा है ये प्रेशर इंटू यहाँ का एरिया इतना एक्सेस फोर्स ऊपर को आ रहा होगा और जितना एक्सेस फोर्स आ रहा है उतना ही ऊपर से फोर्स लगा दो बैलेंस करने के लिए। तो ये बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एफ फोर्स कितना आएगा या डब्ल्यू कितना होगा। ठीक है ना। एफ फोर्स कितना आएगा या डब्ल्यू कितना होगा इधर की साइड से डब्ल्यू कितना लगाओगे आप कितना वजन लगाओगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाता है पास्कल लॉ पर। चलो इतना ही है आज का। इतना ही रखते हैं। लिख लिया तो बढ़िया। मैं अभी स्क्रीनशॉट फोटो भेज देता हूँ इसकी। मेरा दूसरा मोबाइल भी वाईफाई से चल रहा था उसमें सिम है ही नहीं तो वाईफाई चल नहीं रहा अभी तो दिक्कत है। अभी लिख लो इसको लिख लो। हो गया क्या? किसकी थी जो कह रहा था जल्दी खत्म करो है? उसके बाद से वाईफाई गया है। F W by A हुआ तो कार ऊपर जाएगी ना। F अगर कार ऊपर चले जाएगी बिल्कुल सही बात है। F ज्यादा लगाओगे तो ऊपर जाएगी मूवमेंट करेगी ऊपर। ठीक है। अच्छा अगर दोनों सेम लेवल पर नहीं हुए तो भी आप सोल्व कर सकते हो ना। आपकी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दी होगी। अगर ये मान लो अलग अलग लेवल पर भी होते कार यहां कहीं होती आप तो बस फाइनल सिचुएशन पकड़ो यहां का प्रेशर कितना होता है यहां का प्रेशर P1 मान लो प्रेशर इनटू एरिया। अगर कार का और पिस्टन का दोनों का वजन लेना है तो डब्ल्यू प्लस W पिस्टन इसको बैलेंस करते यहां का प्रेशर जो होता इनटू एरिया करके जो फोर्स पिस्टन पे ऊपर को लगाना पड़ता इतना लगाना पड़ता और वो पूरे को बैलेंस करता। यहां का प्रेशर पता चल जाता है यहां से P1। अब P1 पता चल गया यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाओ तो यहां का प्रेशर P2 पता चल जाता
और प्रेशर पता चल जाता तो पी टू इंटू ए को आप एफ बना देते, पी टू इंटू ए को आप एफ बना देते, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो जाता है, रेगुलर प्रॉब्लम भी आती है इसमें। बाकी ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये है कि भैया यहाँ पर इतना आपने कार लगा रखा है तो इसके लिए कितना वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स बैलेंस करने के लिए। अब आर्क कंप्लीट करेंगे अगले वाले में ही, ठीक है। नेटवर्क की तो लंका लगी रखी है। चलो जाओ 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 अगले वाले में, आर्क कंप्लीट प्रिंसिपल और ये फ्लूइड कंप्लीट कर लेंगे। हाँ थैंक यू सर। चलो चलो भागो भागो।